सुतली बम कैसे बनाया जाता है? सुतली बम बनाने के लिए सबसे पहले एक छोटे से बॉक्स में बारूद भरा जाता है। यहाँ पर हम थोड़ा और डिटेल में जाते हैं कि ये जो बारूद होता है वो किस चीज से बना होता है। मुझे पता है कि बहुतों के दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आया ही होगा। तो गन पाउडर बेसिकली तीन चीजों से मिलकर बना होता है, पोटेशियम नाइट्राइट, चारकोल और सल्फर। इन तीनों चीजों को मिक्स करके बनाया जाता है सुतली बम का बारूद। अब वापस आते हैं टॉपिक पर। तो छोटे छोटे बॉक्स में गन पाउडर भरा जाता है, उसके बाद उस बॉक्स के ऊपर वर्कर्स बहुत टाइट सुतली लपेटते हैं, जिसे आप देख सकते हो। यहाँ पर जरा बता दूं कि टाइट सुतली बांधने के बाद उस बम पर थोड़ा वैक्स लगाया जाता है। वैक्स लगाने के पीछे का कारण यह है कि बम पर लगाई हुई सुतली लूज ना हो जाए। बम पर लगा वैक्स लगाने के बाद उस बम पर जो वैक्स लगा है उसे सुखाने के लिए सुतली बम को सनलाइट में रखा जाता है। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो कि फ्यूज को कुछ इस तरह से बनाया जाता है। अब फ्यूज को बम के कोर तक पहुंचने के लिए किसी नुकली चीज से बम के साइड में छेद किया जाता है और बाद में फ्यूज को कुछ इस तरह से डाला जाता है। छेद के किनारे पर थोड़ा गम भी लगाया जाता है जिससे फ्यूज निकल न जाए। ये सारी प्रोसेस को करने के बाद उस बम पर लेबल लगाया जाता है। तो फाइनली ऐसे बनकर तैयार होता है सुतली बम। साथ ही हम ये भी जान लेते हैं कि फटने के बाद सुतली बम इतनी तेज आवाज कैसे कर पाता है। तो जब फ्यूज को जलाते हैं तो सबसे पहले ये फ्यूज गन पाउडर में रखा चारकोल को जलाता है। उसके बाद सल्फर जलते हुए कार्बन के साथ इंटरेक्ट होकर गैसेस क्रिएट करता है। पोटेशियम नाइट्रेट इस रिएक्शन में ऑक्सीजन देने का काम करता है जिससे ये रिएक्शन बहुत बढ़ जाती है। ये सारी रिएक्शन के कारण बम के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर जनरेट होता है और इतना ज्यादा प्रेशर जनरेट होने के कारण सुतली बम तेज आवाज के साथ फट जाता है। आई होप कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो छोटा सा एक लाइक का बटन जरूर दबा देना। थैंक यू।